किस्मत की बात है ना चाची, जो जैकेट वीर पर नहीं चची वो किसी और की खूबसूरती बढ़ा रही थी। यानी वो जैकेट वीर की थी नहीं, उसके लिए बनी ही नहीं थी, वो तो उसी की बनके रह गई जिस पर वो चच रही थी। जैसे कि उसी के लिए बनाई हो। और वो क्या है ना चाची, जैकेट कीमती थी इसलिए आपके बेटे वीर को उसकी कद्र नहीं थी। चीजों की कीमत समझने और पहचानने के लिए भी एक नजर चाहिए, जो आपके बेटे वीर में तो है ही नहीं, इसलिए उसने पहचाना नहीं। पर राघव, उसने सब कुछ संभाल लिया और उस जैकेट को अपनी सही जगह पहुंचा दिया। है ना चाची? मैं एक मिनट आया। यॉक, क्या बकवास है ये? वीर के प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है? संजू, इस बार तो बच गई, नेक्स्ट टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। खांसी की दवाई किसने दी? नैना ने। हाउ स्वीट नैना, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत ठंड है और तुम बीमार हो। पर मैं तो हमेशा नीचे ही सोता हूँ। इसीलिए ऊपर सो जाओ, चुप जाओ एंड डू नॉट आर्ग्यू। ये लो, पी लेना, ये काढ़ा का काम करेगा, प्लीज हैव इट। देखो मत, पियो अभी। इस दवा की जरूरत भी है, हालत ही खराब है। ये दवा है या शराब? नहीं नहीं, नैना ने दी है, दवाई होगी, टेस्टी दवा। ठीक हो ना? क्या हुआ? फेंकी हुई चीज। 8 साल से मैंने ये कुर्ता पहना है, 8 years, और वीर ने सिर्फ 2 बार पहन के फेंक दिया। मैंने सब मुझे जता रहे हैं, मेरे वाइफ को इतना सुना रहे हैं, इतना सुना दिया, पर मैं सुनता रहा।
तुमने पूरी बोतल पी ली? हाँ? 8 years. शराब? राघव, इसमें दवाई नहीं, इसमें शराब थी. इसमें शराब कैसे आई? अगर आज बड़ी माँ और चाची नहीं होती ना तो मैं आज दादी का लिया आज ना तो मैं कुछ कर नहीं सकता. राघव उठो, बहुत भारी हो गए हो यार. तुम्हें जो करना ना बाद में करना, अभी होशियारी मत दिखाओ. चलो उठो, उठो राघव. राघव गेट अप. देखा फिर से डाटा, सब मुझे सुना. नहीं तुम भी सारा मंदिर का घंटा बन गया हूँ. हर कोई आता है तंग बजाता है चला जाता है. अगर तुम्हें क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ है. मेरे अंदर जो सोया था ना वो जाग गया है. What? कौन सोया हुआ था? मेरे अंदर का जानवर. तुम्हारे अंदर का जानवर जाग गया है. कौन सा जानवर? म्याऊ. बिल्ली? बिल्ली. पहले मैं कुत्ता था, वफादार कुत्ता टॉमी. दुम हिला के कहीं पर भी पहुंच जाता था, पर अब मैं बिल्ली हो गया. घर मालिक, घर में मालिक आता है ना तो भी मुंह फेर के नहीं देखती, भाव खाती है, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, खुद में मस्त रहती है, एकदम मस्त. राघव उठो. राघव डोंट. कुत्ता था तब भी बुरा था, अब बिल्ली हो गया हूं तब भी बुरा. तो मैं दुख देता हूं. I'm sorry. It's okay. तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं. सही कहा तुमने. मैं क्यों सॉरी बोल? तुम सॉरी बोलो मेरी लॉरी. सॉरी मैं क्यों सॉरी बोलू? कितना सुनाया तुमने मुझे, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था वहां पर. मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी मर्द आदमी हूं और मर्द को दर्द. पर मुझे होता है दर्द. कम ऑन से सॉरी. कम ऑन सॉरी. राघव जो है समा कल हो ना हो. जैकेट किसका? जिसने दो बार पहन के फेंक दिया? नहीं, जिसने 8 साल इसे संभाल के रखा.
बोतल में शराब कैसे है? ये तो हर्बल दवाई है, इसे तो नशा भी नहीं चढ़ता। फिर राघव ऐसे, ये बोतल तो मैंने संजना को दी थी। संजना इसके अंदर शराब? नहीं, संजना प्रेग्नेंट है, वो शराब कैसे पी सकती है? वो तो सेहत के लिए ठीक भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? नैना, तुम इतना डर क्यों रही हो? कल रात को तुमने मुझे बहुत डांटा ना, इसलिए। मैंने तुम्हें डांटा? नैना, मैंने लाइफ में कभी किसी को नहीं डांटा। प्लीज वो दादी की छड़ी मत निकालना, वो छड़ी से मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज वो छड़ी मत निकालना, मुझे बहुत डर लगता है उसे। छड़ी? दादी की? सच में नैना, मैं वैसे टाइप लड़का ही नहीं। मैंने भी वही सोचा था कि तुम वैसे आदमी नहीं हो, पर कल रात क्या हुआ? कल रात वो ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, घंटे मंदिर में इतना आहास क्यों करते? कोई बजाता होगा ना उन्हें। और तुम बीच में घंटे वाली बात कहां से आ गई? तुम कॉफी पियो, मैं अभी आती हूँ। कॉफी? अरे सुनो, ये घंटे वाली बात पे हंस क्यों रही थी? पहले डर रही थी, फिर हंस रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? ये मैं दादी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। प्लीज प्लीज, यू लेट इट बी, मेरा काम है, मैं करूंगा। क्यों? मतलब ये मेरा काम है, मैं ही करता आया हूँ तो मैं ही करूंगा ना। तुम मुझे वापस दे दो, नहीं तो कहोगी कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। क्या कहा? एक मिनट, पर मैंने तो सुना था कि तुम्हारे अंदर गर्म खून है, तुम मर्द हो। क्या हुआ, अस्ट्रिया की सर्दी में तुम्हारा सारा खून जम गया? गर्म खून मतलब? वो क्या है ना, बिल्ली डजंट केयर, लेकिन अगर कुत्ता वफादारी पर आ गया तो? कुत्ता, बिल्ली, घंटा, गरम खून, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? नेवर माइंड। नहीं नहीं, बताओ मुझे। एक्सक्यूज मी। हाँ, नो एक्सक्यूज मी, मुझे सच सच बताओ। उफ, मुझे लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी मुझे ही लगानी पड़ेगी। ये सारी औरतें ऐसी हैं, यही सिर्फ ऐसी हैं। ओए नैना, दादी की दवाई। वैसे दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता नहीं अगर मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। मेरा मतलब है, हो सकता है मैं गलत हूँ। गलत हो कि सही होगी बाद में देखेंगे, पहले बता क्या हुआ। दादी, वो संजना को मैंने खांसी की दवाई दी थी ना, फिर वही दवाई मैंने रात को राघव को दी, पर वो दवाई पीते ही राघव को नशा चढ़ गया। और दादी, वो दवाई से नशा नहीं चढ़ता, वो हर्बल दवाई है। फिर मैंने जब बॉटल चेक की तो उसमें से शराब की बू आ रही थी। शराब की बू? हाँ, और दादी, वो बोतल से तो, मेरा मतलब है, संजना वो पी रही थी। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो शराब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। संजना और लड़कियों की तरह नहीं है, वो जलेबी की तरह एकदम सीधी है। मैं भी कम नहीं, इसका इलाज है मेरे पास।
ये क्या हो रहा है मौसी? वही रोज का नाटक, ब्लड टेस्ट हो रहा है। मम्मी जी वांट्स टू लिव लॉन्ग ना। वाओ, इतनी ओल्ड होने के बाद भी उन्हें जीना है। व्हाटएवर। दादी, चूस। दादी, आपने अभी ब्लड टेस्ट करवाया है, प्लीज। अरे माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? आप ब्लड टेस्ट करवा रही है, सब ठीक है ना? एकदम रूटीन टेस्ट है। अच्छा अच्छा, वैसे भी हेल्थ से बढ़कर क्या है माँ, कैरी ऑन। और इसीलिए सुधा, मैंने फैसला किया है कि आज से हमारी फैमिली के हर मेंबर का ब्लड टेस्ट होगा। और आज से ही शुरू होगा। मतलब? मतलब कि डॉक्टर साहब तुम सबके ब्लड सैंपल्स लेके चले जाएंगे। तो चलो अब तुम भी क्यों में लग जाओ। आखिर हेल्थ से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता है ना? हाँ बिल्कुल। मम्मी जी, आपका तो समझ आता है, पर हम लोग को क्या जरूरत है? हम तो यंग है अभी। मेरी उम्र तो अभी ट्रेडमिल पर भागने की है, बीपी के मशीन पे हाथ रखने की थोड़ी है। और मैं तो दो बार योगा करती हूँ, आपने देखा होगा। हाँ, और इतनी स्ट्रिक्ट डाइट, मैं बिल्कुल फिट हूँ माँ। और संजू भी फिट ही फिट होगी ना, है ना संजू? हाँ दादी, मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिट? हाँ एग्जैक्टली, इसलिए हम में से किसी को भी हेल्थ चेकअप की जरूरत ही नहीं है। तो संजू बेटे आओ जरा, आओ जरा बैठो। अच्छा, अब पहली बात तो मैंने कह दिया, तो ब्लड टेस्ट तो सबका होके रहेगा। दूसरी बात संजना, इसके पेट में हमारे खानदान का वारिस है, तो संजना की हेल्थ से बढ़कर किसी की हेल्थ नहीं है, है ना संजना? जी दादी, आप जैसा कहें। डॉक्टर साहब। जी मैम। यस। देखिए, सारी फैमिली मेंबर्स के ब्लड सैंपल्स ले लीजिए। जी मैम, मैं प्रिपेयर करता हूँ। थैंक यू। माँ, हम क्या सोच रहे थे कि नैना की मम्मा, उसके भाई और भाभी, उनको भी बुलवा लेते हैं, उनका भी करवा लेते हैं टेस्ट, है ना? मेरी फैमिली नहीं, मतलब अब वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। हाँ बुलवा लो। हाँ ठीक है, सुधा ठीक ही कह रही है, बुलवा लो नैना। ठीक है दादी। और बच्चों को भी खबर कर देना परमेश्वरी, शौरी, आकाश, इरा, वीर। संजना बेटे, इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? परमेश्वरी, अरे इतना घबराने की क्या बात है, आजकल सुई जरा भी नहीं लगती। बल्कि तुम लोग ये सोचो कि मैंने तुम लोगों के लिए नई ज्वेलरी ऑर्डर की है, मैंने बल्लू को पूरे 20 लाख यूरोज दिए हैं। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।